चावल जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनैद तारिक और मैं आई हूँ आज अपने एक न्यू व्लॉग के साथ। दरअसल कल हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए थे, आप देख सकते हैं पीछे कितने बर्तन शर्तन बिखरे हुए हैं। तो ये उन गेस्ट की कारस्तानी है, मतलब उनकी कारस्तानी नहीं है, हमारी कारस्तानी है कि हमने बर्तन नहीं धोया अभी तक। तो मतलब ये दोपहर का टाइम है, सुबह नाश्ते में तो हमने जो था वो अंडा ब्रेड खा लिया था। तो हमने मेहमानों के लिए जो था वो काबली पुलाव मंगवाया था, वो जो टिक्के और कबाब वाला काबली पुलाव होता है। तो उसमें से कुछ चावल बचे हुए मैं उनसे बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये वो चावल हैं जो कल बच गए थे, इसमें कुछ कुछ गाजरें हैं क्योंकि काबली पुलाव में तो गाजरें होती हैं, लेकिन इसमें सारे टिक्के और कबाब ख़त्म हो चुके हैं तो इतने से चावल बचे हुए हैं। मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं 2 अदद शिमला मिर्चें, 1 टमाटर, 3 हरी मिर्चें, 1 छोटा सा प्याज और 1 लीमू और इसी के साथ 1 अंडा। तो इन चीज़ों से मैं अपने चावलों को बनाऊँगी कुछ स्पेशल। मैंने चॉप कर ली है, एक मेरा जो ये था लेमन इसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है, टमाटर, शिमला मिर्चें, प्याज और हरी मिर्चों को इस तरह चॉप करके रख लिया है। अंडे को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया, अब इसमें 1 पिंच सॉल्ट ऐड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें अच्छी लगती हैं तो आप इसमें जो है वो मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जो है मैंने ऑयल ऐड कर लिया है, मतलब ऑयल डाल लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून और ऑयल किस तरह से गर्म भी हो गया। अब इसमें मैं अपना अंडा ऐड करूँगी। वो कुछ इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया है और अब मैं अपने ऑयल में सबसे पहले शिमला मिर्चें ऐड करूँगी क्योंकि शिमला मिर्चें जो सोते हुए होते हुए कुछ टाइम लेती हैं, तो मैंने ऑयल में सबसे पहले ऐड कर ली हैं शिमला मिर्चें कुछ इस तरीके से। और हम शिमला मिर्च को जो है वो अच्छी तरह से पहले फ्राई करेंगे। ये मिर्चें जो है वो थोड़ी सोते हो चुकी हैं, अब इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज और प्याज को कुछ देर सोते कर लूँगी। और ये मैंने ऐड कर लिया है इसमें अपने प्याज को, इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा, यानी कि 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर लिया है। और अब देख सकते हैं कि किस तरह से प्याज और ये जो है वो अच्छे तरीके से सौते हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करूँगी अपनी ग्रीन चिलीज़ को भी कुछ इस तरीके से ऐड कर लिया है। और इसी के साथ ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे, कुछ ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। ये मैंने इसमें टमाटर और नींबू दोनों ही ऐड कर लिए हैं और इसकी खुशबू है जो बहुत अच्छी आ रही है, तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बाय 1 अपनी स्पाइसी जिसमें है सॉल्ट, जो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ऐड कर लिया है थोड़ा सा सॉल्ट तकरीबन आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। मैंने 1/2 टीस्पून इसको ऐड किया है। इसी के साथ मैंने इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स ऐड कर लिए हैं। ये देख सकते हैं मैंने चावल डाल लिए हैं और चावल डाल के इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है और देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसकी हर चीज़ कितनी प्यारी लग रही है। चावलों को जो है अच्छी तरह से मिक्स करके इनको इसमें फ्राई करना है ताकि जो सब्ज़ियों की खुशबू है और सारा जायका है वो इन चावलों में आ जाए। और अब जो हमने अंडा फ्राई किया था वो भी हम इसमें एंड में ऐड कर रहे हैं, हमने अपना सारा अंडा इसमें ऐड कर लिया है और इस तरह से इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जो है इसमें ऐड कर लिया है सिरका और अब इसको दम पे छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। ये 1/2 किलो दही है मेरे पास, इसको मैंने जग में डाल दिया क्योंकि लाइट चली गई है। और अब इसको इसके साथ जो है मैं वो करूँगी फेंटू की और इसकी लस्सी बनाऊँगी क्योंकि मुझे चावलों के साथ लस्सी बहुत अच्छी लगती है। चावल जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इनको मैं प्लेट में निकालूंगी, इसी के साथ मेरी लस्सी भी रेडी है, खाना इंजॉय करूँगी। उनको कुछ इस तरीके से डिश आउट कर लिया, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। साथ ये मेरी लस्सी है और साथ में मैं थोड़ी चटनी खाऊंगी, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।